मौसम में बदलाव का गेहूं की फसल पर प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है, जिससे रादौर व यमुनानगर क्षेत्र में गेहूं की फसल तेजी से पीले रुतवे की गिरफ्त में आ रही है। फसल पर आई बीमारियों ने किसानों की भी चिंता बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि बीमारी से फसल को बचाने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे सभी प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। पूरे यमुनानगर जिले की अगर बात करें तो इस बीमारी का सबसे ज्यादा असर रादौर क्षेत्र में ही देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब कृषि विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। पीले रुतवे की चपेट में आई फसल देख किसान अपनी मेहनत को यूं बर्बाद होती देख किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। किसानों का कहना है कि फसल पर आई इस बीमारी से उन्हें इस बार काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। इससे जी कम से कम 25% का फर्क पड़ जाता है। ठीक है जी यार, इसमें ये जैसे बाल है मही की मही जाम हो जाएगी, उससे दाना नहीं मोटा होगा, ये नुकसान ही है एक किस्म का। इसका कारण तो यही हो जी, नमी की करके ज्यादा हो जाता है, और ये थोड़ा है इस करके ये बाल में फर्क पड़ता है फिर बहुत ज्यादा। जैसे मौसम में दिन में गर्मी रहती है और रात में, इसमें फर्क तो पड़ेगा ही, मौसम का भी जो पानी देंगे सदा भी रहेगी तो इसमें इस करके अटक आ जाता है। इसको बचाने के लिए सपरा भी करना पड़ता है जी, और वो भी क्या नाम लेकर मौसम की तब्दीली करके, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, चाहे जो मर्जी करो जाओ सपरा करो जो मर्जी करो फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं रादौर कृषि विभाग के कृषि विकास अधिकारी संजीव कुमार ने किसानों को इस बीमारी से फसल को बचाने के टिप्स दिए हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि जो टेम्परेचर हमारा जल्दी जल्दी अप डाउन होता है, उसकी वजह से इसका प्रकोप ज़्यादा फैलता है, और इससे इसके उपचार हेतु सबसे अच्छा जो है वो प्रोपिकोनाजोल जो दवाई है उसको हम 250 ml पर एकड़ के हिसाब से और 200 लीटर पानी के साथ उसमें पर एकड़ में स्प्रे किया जाना चाहिए। और सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है कि पानी की जो मात्रा है वो पूरी रखें, उसको कम ना करें, ताकि ये है कि भाई हम हर पौधे को दवाई का पूरा असर मिल सके जी। जैसे पिछले सालों की अपेक्षा अगर बात की जाए, क्या आपकी बार ज़्यादा असर दिख रहा है इसका? हाँ जी हाँ जी, अब की बार कुछ ज़्यादा असर देखने में है, तो उसके लिए यही है कि प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे किया जाए। अगर बात करें इसी अगर कंट्रोल ना हुआ हाँ जी तो कितना असर पड़ेगा पैदावार? इसका कम से कम यही है कि 15-20% तो इस पर उपज पर फर्क पड़ता ही है, और ऐसा है कि अगर पौधा पीला होने के बाद काला हो जाता है तो इससे ज़्यादा भी इसका असर फसल पर देखने में मिल सकता है।